हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ब्रैकेट वाले सवाल को सॉल्व करना सिखाएंगे बोडमास रूल के अनुसार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने से पहले बोडमास रूल को जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए तीन ब्रैकेट है, तीन ब्रैकेट में इसको हम बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, इसको मध्यम ब्रैकेट, इसको बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले काम होता है छोटी ब्रैकेट का, दूसरा में मध्यम ब्रैकेट का, तीसरा में बड़ी ब्रैकेट का। इसके बाद होता है ऑफ का काम, वो से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। उसके बाद होता है का क्या काम होता है डिवाइड, भाग का काम। इसके बाद होता है मल्टीप्लाई, इसके बाद जोड़, इसके बाद घटाओ। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, इसके बाद का, इसके बाद भाग, इसके बाद गुना, तब जोड़, तब घटाओ। इसी को हम बोलते हैं बोडमास रूल। यहाँ पर देखिए इस सवाल में सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट दिया है। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है। तो छोटी ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8/4 का 8/4 उतर जाएगा, माइनस ब्रैकेट के, यहाँ ब्रैकेट ही रह जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट में मेरा भाग है और गुना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए भाग और गुना में पहले भाग आया है, तो पहले भाग का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए 6/8, अब भाग को जब गुना में बदलते हैं, देखिए बटा पा का भाग कैसे करते हैं, जब भी भाग को हटाएंगे गुना में तो यह 6 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, अब गुना यहाँ हो जाएगा 3/4 प्लस हो जाएगा 6/4। अब इसमें देखिए कटने वाला होगा तो काट देंगे। यहाँ पर देखिए 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8। अब यहाँ पर कटने वाला नहीं है तो इसको क्या करें, गुना करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8/4 के 8/4 लिख लेंगे माइनस, अब देखिए 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27, यहाँ पर लिख लेंगे हम 27, 4 4 16 4 64। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट का काम मेरा हो गया, ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ प्लस में कितना है, 6/4, यहाँ पर 6/4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसको हम क्या करेंगे, बटा पर के जोड़ करेंगे। तो देखिए 4 64 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो 64 होगा, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 64 होगा। अब यह 4 से इसमें भाग करेंगे तो 16 बार में कटेगा, या 16 से गुना किस में करेंगे, 8 में, 16 8 128, माइनस ये 64 64 एक बार में कट गया, एक से ऊपर में गुना करेंगे तो यह कितना जाएगा 27, प्लस फिर यहाँ 4 से इसमें भाग करेंगे तो 16 बार में कटेगा, 16 से 6 में गुना करेंगे 16 6 96। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस में सबसे पहले किसका काम होता है, प्लस का। ऊपर में मेरा प्लस है, पहले प्लस से काम होगा तब माइनस का होगा। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, 128 और 96 को पहले जोड़ देंगे, तो 6 8 कितना होता है 14, 9 2 11 एक हो जाता है 12, 1 1 2, 224 हो जाएगा, 224 है माइनस इसमें कर देंगे हम 27, बटा में हो जाएगा 64। अब हम इसको घटाएंगे, तो देखिए 14 में 7 गया तो कितना होगा 7, बचेगा 1 1 में से 2 नहीं जाएगा, पहचान लेंगे 10 1 11 11 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 1, 197 बटा क्या आ जाएगा 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके और नोटिफिकेशन को दबा दें, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।